नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24 खबर। गोंडा जनपद के ग्राम सभा बूढ़ादेवा के माता काली भवानी मंदिर से हैं, जहां नवरात्रि के तृतीय तिथि के अवसर पर लगभग 250 महिलाओं एवं कन्याएं ने कलश शोभा यात्रा निकाला, जो सिद्धपीठ माता खैरा भवानी मंदिर पहुंचकर जल भरेंगी, जो बाद में बूढ़ादेवर में स्थित माता काली भवानी मंदिर पर जलाभिषेक करेंगी। पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अमित शुक्ला है जी। अच्छा, ये बताइए भैया, जो कलश शोभा यात्रा निकाली गई है आज, किस उपलक्ष्य में ये आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई है? ग्राम सभा बूढ़ादेवर जी, कहाँ पे आज देवी भागवत का शुभारंभ हो रहा है जी जी, इसी के उपलक्ष्य में नवरात्रि के दिन तृतीय तिथि में कलश शोभा यात्रा निकली। कितने महिलाएं उपस्थित हैं इस कलश शोभा यात्रा में? अब 108 जो है कलश है, 151 कलश है, और तो उससे भी ज्यादा है, यहाँ संख्या करीब 250-300 लोगों की संख्या है। क्या क्या कार्यक्रम अभी तक फिलहाल किए गए इस नवरात्र में? वहाँ हमारे ग्राम सभा बूढ़ादेवर में माँ काली का स्थान है, जहाँ पूजन हो रहा है। आज से श्री देवी भागवत का शुभारंभ होगा और माता जी की मूर्ति रखी जाएगी। अच्छा भैया, ये बताइए कि प्रसादनी का क्या व्यवस्था है आपके? नहीं, ठीक है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी, करना ही है, और हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सर जी, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उन भक्तों के लिए आप क्या कहेंगे? सहयोग रहेगा मेरा जी। जो महिलाएं उपस्थित है कलश शोभा यात्रा में, उनको क्या कहेंगे? उन सभी महिलाओं का हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी, हाथ जोड़कर सभी देवियों को मैं नमन करता हूँ जी, माताओं को, बहनों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं जी, तो इतना मेहनत करके आज पाँच किलोमीटर पैदल यात्रा आ करके और फिर खैरा भवानी मंदिर से जल भरेंगी कलश में और उसको ले जा करके बूढ़ादेवर भाई। अच्छा, ये बताइए, जुलूस कहाँ संपन्न होगा? अब यहाँ क्या नाम है, ग्राम सभा बूढ़ादेवर में ही संपन्न होगा। अच्छा, बूढ़ादेवर से लेकर के खैरा भवानी मंदिर तक, यहाँ से जल भरा जाएगा, उसको फिर ले जा करके बूढ़ादेवर तक। धन्यवाद। गोंडा से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।